हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुंदर सा ये डोरमेट के डिज़ाइन दिखाने जा रही हूँ जो चौकोन शेप में बना है, जो चटाई शेप में बना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 20 फंदों में इसको बनाया है। आप इसको और चौड़ा 40 फंदों में, अगर मीडियम साइज का बनाना चाहते हो तो 40 फंदों में आप इसको बना सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, डोरमेट बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं 20 फंदे इसमें ले चुकी हूँ और दो रो बना चुकी हूँ, दो लाइन। ये देखिए फ्रेंड्स, एक और दो। आप भी फंदी लीजिए, जितना बनाना, जितना चौड़ा बनाना चाहोगे उतना, और दो रो कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। मैंने दो रो इसमें कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड से ही हम लोग कलर ज्वाइनिंग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, शुरू से ही बता रही हूँ, जो जैसा शुरू में बनता है वैसे ही बता रही हूँ। एक फंदे इसमें, देखिए फ्रेंड्स, ये दो फंदे, दो रो आप निकाल लीजिएगा आगे से और पीछे से, दो रो उल्टा उल्टा ही बनेगा फ्रेंड्स। आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन कैसा बना है। शुरू में ये वाला हम लोग पैटर्न बनाए हैं ये, तो यहाँ से सीधा यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे, जैसे ये वाला यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। और जब ये वाला हम लोग बनाएंगे, ये वाला, तो यहाँ से इस साइड से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ से बुनते बुनते ये 6 फंदे बचने के बाद फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। यहाँ से बुनते जाऊँगी, यहाँ 6 फंदे छोड़ लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ आगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 6 फंदे छोड़ लिए हैं और बाकी फंदे मैंने बुन लिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 2, 4, 2, 6 फंदे मैंने छोड़ लिए हैं। अब इसको मैं ग्रीन कलर से कर लेती हूँ, क्योंकि हम लोग को ये वाला बनाना है, ये वाला पहले बनाना है, उसके बाद ये वाला। तो 6 फंदे ग्रीन कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये 6 फंदे ग्रीन कर लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 6 फंदे ग्रीन कर लिया है। ये रॉन्ग साइड है। अब राइट साइड से देखिए, राइट साइड से मैंने पलट लिया है। अब राइट साइड से जो जैसा कलर उसको उसी कलर में बुनना है फ्रेंड्स। ये वाला फंदे इसमें लेना है और ये आगे लाना है, इसको जो जैसा कलर उसको उसी कलर से बुन लेना है। ये ग्रीन है तो ग्रीन से बुन लेते हैं फ्रेंड्स। और पीछे धागा क्रॉस करना ना भूलिएगा। ये ग्रीन तो हो चुका इसमें, और आगे धागा क्रॉस कर लेती हूँ फ्रेंड्स। ये आगे वाला धागा आगे कर लीजिएगा, और ये इस कलर से, जो जिस कलर में है उसको उस कलर से बुनते बुनते लास्ट तक बुन लीजिएगा, फिर आपको आगे और दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, फिर से राइट साइड से बुनते बुनते रॉन्ग साइड में आ गए। और रॉन्ग साइड में क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये वाला फंदा इसमें लेना है और पीछे का धागा आगे करना है और फिर बुनते जाना है। देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो बुन रहे थे, अब यहाँ 3 फंदे हम लोग बचा लेंगे फ्रेंड्स, 1, 2 और 3। ये 3 फंदे बजा लेंगे, बाकी को बुन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ आगे। ये देखिए फ्रेंड्स, रॉन्ग साइड में इतना मैंने बुन लिया है, और यहाँ 3 फंदे मैंने ये पिंक कलर का छोड़ दिया है, 1, 2 और 3। इसको हम लोग ग्रीन कलर में करेंगे। ये ग्रीन कलर में और धागा अटैच कर लेती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको ग्रीन कलर पे कर लेते हैं। ये तीनों ग्रीन में कर लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 3 फंदे भी ग्रीन कर लिए हैं। जो ऊपर में हम लोग छोड़े थे पिंक कलर को, उसको ग्रीन कर ली हूँ मैं। और जो नीचे में पहले से 6 फंदा ग्रीन कर चुके हैं, उसको भी मैं ग्रीन कलर से ही बुन लेती हूँ। यहाँ तक बुन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ने क्या किया है, ये रॉन्ग साइड से हम लोग ने रॉन्ग साइड से ऊपर से जो पिंक कलर का था, 3 3 3 छोड़, ये ऊपर को बुन लिए,
फिर ये तीन फंदे जो छूटे उसको फिर से ग्रीन कर लेंगे। इसको टू टाइम्स और करना है फ्रेंड्स। एक बार तो सबसे शुरू में क्या किए, छह फंदा हम लोग जो पिंक कलर का छह फंदा उसको ग्रीन कर लिए। फिर दूसरा बार क्या किया, दूसरे स्टेप में यहाँ से सीधे साइड से बुनते बुनते आए, फिर रॉन्ग साइड से फिर पिंक कलर का तीन फंदा हम लोग ग्रीन कर लिए फ्रेंड्स। देखिए फिर सीधे साइड से बुनते बुनते आएंगे, जो जैसा कलर उसको ऐसा कलर में बुनते यहाँ तक, फिर रॉन्ग साइड में आएंगे फ्रेंड्स, फिर तीन फंदे बुन लेंगे, तीन फंदा फिर ग्रीन कर लेंगे फ्रेंड्स। फिर सीधा साइड से बुनते बुनते आएंगे लास्ट तक ऐसे बुनेंगे। फिर उसके बाद फिर रॉन्ग साइड में आएंगे, क्या बोलते हैं, उल्टे साइड में आएंगे, तो फिर तीन फंदा हम लोग यहाँ फिर से ग्रीन कर लेंगे फ्रेंड्स। और लास्ट में ऊपर पे पांच फंदा बचेगा, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ फ्रेंड्स। सो देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए एक दो तीन चार, चार लेवल हो गए इसके जैसे फ्रेंड्स। ये एक दो तीन चार, अब लास्ट में ये लाइन बनाने के लिए ये पांच बचा है। देखिए फ्रेंड्स ये पांच, तो अब क्या करेंगे, ये रॉन्ग साइड में जाके ये पूरे पांचों के पांचों फंदे हम लोग ये ग्रीन कलर से कर लेंगे फ्रेंड्स। और फिर ग्रीन कलर से करने के बाद ये पूरे सबको ग्रीन कलर से बुनते बुनते ये लास्ट तक आएंगे फ्रेंड्स, तभी ये वाला शेप आएगा। ये वाला यहाँ छह फंदे हम लोग यहाँ छह फंदे लिए हैं, बाकी इसको तीन आपकी मर्जी, आप कितना डिस्टेंस चाहोगे, इसको तीन चार करना चाहोगे तो चार भी कर सकते हो फ्रेंड्स। ये चार चार का भी बन सकता है, ये डिस्टेंस इसका गैपिंग। तो फ्रेंड्स इस इतना को हम लोग ग्रीन कलर से कर लेते हैं और यहाँ बुनते तक लास्ट बुन लेते हैं, फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये ऊपर का पांच फंदे थे जो पिंक कलर को, उसको ग्रीन करके पूरे नीचे तक पूरा पिंक बीन बुन लिया है। अब यहाँ से जो ग्रीन का है तो पूरा ग्रीन तक लास्ट तक यहाँ तक बुन लूँगी, फिर आपको आगे दिखा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये एक साइड का ये वाला साइड का कंप्लीट कर लिया है। और बीच में ये लाइनिंग पिंक का देने के लिए ये पूरे रो को हम लोग पिंक कलर से कर लेंगे, और जो से पिंक कलर से पूरा कर लेंगे, एक रो पिंक कलर का बनाना, फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं ये पिंक कलर का पूरा कर लेती हूँ एक रो। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे पूरा करते करते लास्ट तक बुन लेती हूँ, फिर उल्टा में एक लाइन पूरा पिंक कलर से बुन लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक रो ये पूरा पिंक कलर से कर लिया। अब इसी रो को ये वाला लाइनिंग बनाने के लिए पूरा ये वाला रो को ग्रीन से करना पड़ेगा फ्रेंड्स। एक रो ग्रीन कलर से कर लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक लाइन ग्रीन से कर लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें से पांच फंदे मैं पिंक कलर से बना लूँगी, पांच फंदे पिंक कलर से, और बाकी को ग्रीन फंदे से बना लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें से पांच फंदे पिंक कलर से बना लूँगी। तीन चार और ये पाँच, और बाकी को ग्रीन फंदे से बना लूँगी फ्रेंड्स, और ये लास्ट तक बना लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पांच फंदे ये पिंक कलर से कर लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये नीचे में जो ग्रीन कलर का है तीन फंदे मैं फिर से पिंक कर लूँगी फ्रेंड्स, फिर जो बाकी है उसको ग्रीन कलर से ही कर लूँगा, बुनते बुनते लास्ट तक करूँगी। फिर उसके बाद फिर पिंक कलर का फिर इसको तीन टाइम करना है फ्रेंड्स। नीचे में पांच फंदे ये ग्रीन, नीचे में सॉरी छह फंदे ग्रीन का बच जाए, फिर सभी को वैसे करना है फ्रेंड्स, तीन तीन करके पूरे फंदे ये पी, जैसे ये ऊपर चढ़ रहा था वैसे ये अब जैसे देखिए फ्रेंड्स, ये ऊपर इसको करते जा रहे थे तो वैसे अब ये वाले कलर को देखिए फ्रेंड्स, ये वाले कलर को ऊपर चढ़ाते जा रहे थे, अब ये पिंक कलर का कलर नीचे आते जाएगा फ्रेंड्स। तीन तीन करते करते ये लास्ट में नीचे पांच फंदे रह जाएंगे, छह फंदे सॉरी फ्रेंड्स। तो फिर आपको आगे दिखा दी।
ये देखिए फ्रेंड्स, मैं पिंक कलर से तीन फंदे ग्रीन का और बना लूँगी। ये एक बार हुआ फ्रेंड्स, वैसे ही फिर एक बार बना ले, इतना को सबको ग्रीन कलर से बना लेती हूँ फ्रेंड्स। फिर वैसे ही करेंगे फ्रेंड्स, फिर एक बार फिर आएंगे, फिर ये तीन तीन फंदे ले लेंगे, फिर तीन फंदे ले लेंगे, फिर लास्ट में छह फंदे बच जाएंगे। फिर आपको देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से दो रो पिंक कलर का पूरा, ये ग्रीन का है उसको भी पिंक कलर कर लेती हूँ। यहाँ से दो लाइन पिंक का होना चाहिए फ्रेंड्स, दो लाइन, दो रो पिंक का निकाल लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दो रो मैंने पिंक कलर से बना लिए है, दो लाइन पिंक कलर से बना लिए है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, ये सीधा है, इसके जैसे ये सीधा बना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये उल्टा बना है, एक दो सी एक उल्टा एक सीधा बना है फ्रेंड। तो अब इसके जैसे हम लोग ये वाला पैटर्न बनाएंगे। ये वाला पैटर्न बनाने के लिए क्या क्या है फ्रेंड, यहाँ इस साइड में हम लोग छः फंदा को ग्रीन किए हैं। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस साइड में छः फंदा को ग्रीन करेंगे फ्रेंड्स। ये इसके जैसे इस साइड में छः फंदा को ग्रीन करेंगे, बाकी को पिंक करेंगे। फिर उसके बाद ये जो ग्रीन है यहाँ से बढ़ते बढ़ते जाएगा, ये छः फंदा को ग्रीन करेंगे। फिर उसके बाद फिर से बुनते बुनते करेंगे फ्रेंड्स। ये बुन कर आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स, ये छः फंदा ग्रीन कर लेती हूँ और बाकी को पिंक कर लेती हूँ, फिर यहाँ तक बुन लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाती हूँ फ्रेंड्स। सो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने छः फंदे ग्रीन कर लिए हैं। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, देखिए इसमें तीन, ये छः फंदे ग्रीन कर लिए, इसमें तीन और पिंक कलर से तीन फंदे और ग्रीन कर लेंगे, एक दो तीन, ये तीन फंदे ग्रीन कर लेते हैं फ्रेंड्स। दिखाती हूँ मैं आपको, ये ग्रीन तो ग्रीन ही रहेगा, इसको ग्रीन कलर से ही बुनेंगे। और नीचे से पिंक कलर का तीन फंदे और ग्रीन कर लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, और बाकी जो बचा उसको पिंक कलर से बुनेंगे फ्रेंड्स। ये जो अभी तीन फंदे हम लोग लिए हैं वैसे टू टाइम्स और करना है फ्रेंड्स, ये एक दो तीन, फिर उसके बाद एक और बार बुन लेंगे फ्रेंड्स। फिर तीन फंदे करेंगे, फिर तीन फंदे, इसको टू टाइम्स करना है, तीन तीन फंदे वाले। और नीचे में पाँच फंदे बच जाए, फिर आपको आगे दिखाती हूँ फ्रेंड्स। सो देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ नीचे में पांच फंदे पिंक कलर के बचे हैं, उसको भी मैं पूरा ग्रीन कर लेती हूँ। फिर एक रो यहाँ से इसलिए इसके जैसे लाइन बना लेती हूँ पिंक कलर का, फिर आपको आगे इधर का दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक रो पिंक कलर से बुन लिया है। अब एक रो यहाँ से ग्रीन कलर से बुन लीजिएगा, फिर इसके बाद यहाँ से पाँच फंदे आप पिंक कलर का कर लीजिएगा, फिर तीन फंदे पिंक कलर का, फिर तीन फंदे, फिर तीन फंदे, फिर लास्ट में छह फंदे पिंक कलर का, ऐसे नीचे उतारते जाइएगा, फिर ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर मेरा ये डोरमेट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।